झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एक वर्ष पहले के मुकाबले बाजार में सोयाबीन दाना के दाम तो नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सोयाबीन तेल के दामों में उछाल दर्ज हुआ है। 28 मई 2021 और 28 मई 2022 के प्लांट भाव के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा रहा है। देश के दोनों प्रमुख सोयाबीन उत्पादन राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्लांट दामों की तुलना से यह बदलाव साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सोयाबीन के प्लांट दामों में बीते साल के मुकाबले इस साल मई के अंत में मोटे तौर पर 7.5% से 10.5% तक की गिरावट दिख रही है। बीते साल इसी समय धुले के प्लांट सोयाबीन के दाम 7,500 रुपये बोले जा रहे थे, जो कि अब 6,700 रुपये पर बोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की तुलना की जाए तो प्लांट के सोयाबीन दामों में 6 से 8.25% तक की गिरावट दिख रही है। मांगलिया के प्लांट भाव जो बीते साल इस समय 7,300 रुपये से ऊपर थे, वहीं इस साल गिरकर 6,800 के नीचे बने हुए हैं। खंडवा में तो 6,700 रुपये तक पहुंच गए थे। हालांकि सोयाबीन तेलों के दाम में उल्टा नजर आ है। प्लांटों के सोयाबीन तेल के दामों में इस साल उछाल दिख रहा है। धुले में सोयाबीन तेल बीते साल इस समय 1,450 रुपये प्रति 10 किलो था, जो कि इस साल 1,550 रुपये प्रति 10 किलो है। वही इंदौर में बीते साल प्लांट सोया तेल इस समय 1,420 रुपये बेचा जा रहा था, जो कि इस वर्ष बढ़कर 1,530 रुपये प्रति 10 किलो में बेचा जा रहा है। तमाम प्रमुख शहरों के प्लांटों के तेल के दाम 63 से 110 रुपये तक तेज बने हुए हैं। दरअसल यूक्रेन संकट, इंडोनेशिया के प्रतिबंध के बाद खाद्य तेल का पूरे विश्व में संकट महसूस किया जा रहा है। अमेरिकी सीबोट में तेल सोयाबीन और DOC के कॉन्ट्रैक्ट्स बीते साल के मुकाबले ऊंचे हैं। मलेशिया में KLC में कच्चा पाम तेल भी बीते साल के मुकाबले करीब 2,300 से 2,567 रिंगिट ऊपर है। बीते दिनों इंडोनेशिया के प्रतिबंध हटने के बाद अब बाजार में उम्मीद जागी है कि इंडोनेशिया से पाम तेल की सप्लाई जल्द शुरू हो जाएगी। भारतीय बाजार में पाम तेल के दाम दबना शुरू हो गए हैं। शनिवार को इंदौर पाम तेल घटकर 1,600 रुपये प्रति 10 किलो रह गया। वहीं मूंगफली तेल में भी अपेक्षित ग्राहकी नहीं होने से भाव में नरमी रही। मूंगफली तेल इंदौर 10 रुपये घटकर 1,590 से 1,600 रुपये प्रति 10 किलो बोला गया। वहीं सोया तेल की सप्लाई टाइट होने से भाव मजबूती पर टिके रहे। सोया तेल इंदौर 1,530 रुपये प्रति 10 किलो बोला गया था। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।